तो गाइज आपने देखा होगा इस वीडियो को। आई थिंक साहिल खान वन मोस्ट टाइम वो कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं एंड फिटनेस इंडस्ट्री को समझ में नहीं आता कि यदि इस तरीके से ये ऐसे करेंगे तो फिर हमारा इंडिया का फिटनेस इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ेगा। तो गाइज कैसे हो आप लोग, मैं मनीष सिंह एंड आप लोग देख रहे हो सिंह फिटनेस रहा। तो आज मैं फिटनेस इंडस्ट्री से कुछ वैसा अपडेट लेकर नहीं आया, बट ये कुछ थोड़ा बहुत कॉन्ट्रावर्सी का है। तो वैसे मैं मेरे चैनल पे आपको कॉन्ट्रावर्सी का कंटेंट नहीं मिलेगा, बट मैंने सोचा इस वीडियो को शेयर एज अ पॉजिटिव तरीके से भी करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान लाइक बैक टू बैक किसी को इतना टॉर्चर करना या फिर इतना ज़्यादा फिटनेस इंडस्ट्री को बार बार कॉन्ट्रावर्सी का बनाना, तो कहीं ना कहीं आप लोग अपना दी राय कमेंट बॉक्स में देकर बताना कि क्या साहिल खान यहाँ पे गलत कर रहा है या फिर सही कर रहा। तो एक वीडियो में साहिल खान ने कुछ बोला है, तो देखो कंट्रोवर्सी अपने जगह पर होता है। देखो मैं किसी का पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, बट ये जो गलत है सो गलत है, वो तो मैं बोलूँगा ही। तो वो माता पिता लाइक वो भरत सिंह वालिया को टारगेट कर रहे थे, तो वहाँ पे माता पिता के मतलब उनके फैमिली के ऊपर भी उन्होंने कुछ बोल दिया, जो कि ये गलत है। आपकी लड़ाई आपकी कंट्रोवर्सी भरत सिंह बालिया से है, ना कि उनके फैमिली से, तो उनको बीच में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। गाइस आप लोग क्या सोचते हो, आप इस वीडियो को देखना एंड आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। पॉजिटिव है जैसा कि मैंने कहा, बिलीव इट नॉट ये ऑफर उनके लिए भी है। ध्यान से देखिए उन लोगों की जिंदगी को जो नेगेटिव है, कॉन्ट्रोवर्सीज या नफरत फैलाते हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान का हो, चाहे एथलीट का हो, चाहे इंडिया के बारे में बोलकर अपने आप को सिंपथी लेना हो। यार इतना इंडिया तरक्की कर रही है, इतना पॉजिटिव है, हम सब इतना साथ में हैं, इतना ग्रो कर रहे हैं, क्यों नफरत फैलाना है? बॉयकॉट क्या हुआ भाई बॉयकॉट करके? जितना टाइम आप लोगों ने बॉयकॉट में ध्यान लगाया, उतना टाइम अपनी जिंदगी पे ध्यान लगाते तो शायद एकाक ब्रांड्स मिल जाते आपको, कुछ काम मिल जाता आपको, शायद आपकी फैमिली को आप सपोर्ट कर लेते। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि आप कभी बोलते क्यों नहीं, कुछ लोग हैं जो जॉबलेस हैं मेरे बारे में बोलते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी लाइन है। वो लाइन ये है कि मुझे खुशी है इस बात की कि जो लोग मेरे बारे में बोलकर अपना घर चला रहे हैं, मैं उनके घर वालों के बारे में सोचता हूँ, उनकी मम्मी डैडी बीवी अगर फैमिली है, मेरी वजह से उनका घर चल जाता है स्टोरीज नेगेटिविटी फैलाकर हिंदू मुसलमान कर, अगर मेरी वजह से उनके घर में राशन पानी आता है तो कोई बात नहीं, चलता है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जहां जाता हूं सबको बताकर जाता हूं, लोग मोहब्बत से मिलते हैं, सो आई हैव नो प्रॉब्लम्स। और जितने लोगों ने पठान को बायकॉट भी किया है उन सबको भी मैं प्यार करता हूं, क्योंकि इस नफरत में कुछ रखा नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ नफरती चिंटू, जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ वही जानते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं डाइट देता हूं, वेज फिश। सो वेज फिश खाइए, हेल्दी रहिए। और अब आ गया है मेरा घर। बहुत जैसा कि मैंने कहा आप लोगों को, नफरत करने वाले लोगों की जिंदगी को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा कि जितने भी लोग जो नफरत बांट रहे हैं बहुत दिनों से, अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, वेज फिश खा रहे हैं, खिला रहे हैं, उनको देखिए और उनकी ज़िंदगी को ध्यान से देखिए, क्या नहीं करना है ये सीखना है उनसे। दुनिया कहाँ चली गई जनाब और आप कहाँ हैं? 2023 का फर्स्ट मंथ भी चला गया, हमने तो 1,40,00,000 की गाड़ी ले ली फैमिली के लिए और आप नफरत बांटते रहे। उम्मीद है कि इस मैसेज से, इस वीडियो से, मुझे कोई शौक नहीं था बनाने का, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कुछ तो जवाब दे दो। जवाब देंगे तो उनके घर में राशन आना बंद हो जाएगा, उससे अच्छा उनको करने दीजिए, मेरी वजह से उनका घर चल रहा है। बड़ी अफसोस की बात है ऐसे निकम्मे बेटों को जॉब नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं कहता हूँ इफ यू डोंट नो नाउ यू नो, स्टे पॉजिटिव फॉर लाइफ। तो गाइज आपने देखा होगा एंड आप लोग बताना क्या ये सही है या फिर गलत है। वैसे आप लोग जानते हो कि पिछले बहुत 2-2.5 साल से बहुत सी ज़्यादा कॉन्ट्रावर्सी हो रहा है साहिल खान के थ्रू। तो आप लोग क्या चाहते हो एंड आप लोग कमेंट करके बताना कि साहिल खान गलत है, गलत कर रहे या फिर सही, जो भी आप लोग अपना राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देना। एंड उसके रिप्लाई में भरत सिंह बालिया ने कुछ जवाब दिया है, तो वो भी आप लोग देखना। एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि जल्दी कुछ बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने वाले हैं भरत सिंह बालिया, तो मेरे तरफ से एंड टीम सिंह फिटनेस की तरफ से ऑल द बेस्ट टू भरत सिंह बालिया। एंड आप लोग कमेंट करके वेस्ट विशेस भरत सिंह वाले को जरूर देखना देना, क्योंकि देखो कोई भी हमारे एथलीट्स हों, वो यदि फिटनेस इंडस्ट्री में अच्छे से, कोई भी बिजनेस हो किसी प्रकार के हैं, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिलेगा हमारा इंडिया का फिटनेस इंडस्ट्री को। तो अब ऐसे आप उनका रिप्लाई देखना कि उन्होंने भी कुछ रिप्लाई करा, जो कि बनता है यार। देखो आप किसी को बोलोगे तो आपके भी, आपको भी लोग रिप्लाई तो जरूर करेंगे।
एंड आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। पार्डम खोने लगा, सोचे के ऐसे क्यों होने लगा। आज सुलगी हुई स्टोरी देखी है किसी की, कड़वी कविता सुन के बड़ा कड़वा लगा होगा नो डाउट। पर माँ बाप पे परिवार पे जाना, तुम जैसे नीच लोगों की हरकतें हैं, मेरे लिए जैसे मेरे माता पिता हैं वैसी तुम्हारे माता पिता हैं। मैं कभी गलत नहीं बोलूँगा जबकि मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, इतिहास निकाल के आगे रख सकता हूँ, तो चेतावनी भी समझो, पूछ मत करो। बाकी यार तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है, इतना विचलित मैंने पहली बार देखा तुम्हें। इससे बुरे टाइम्स भी आएंगे, चिंता मत करो। ऐसा बैग लटका के रास्ते में चलते चलते स्टोरीज बनाने के दिन आ गए हैं। सुबह शाम आपको एक ही आदमी की याद आती है, वही कौन? भरत सिंह वालिया। क्या किया है पिछले 7 महीने में हम बेटा? वैसे तो अपनी गणित ठीक करो, अभी तो समय लंबा हो गया है, और ज़रा चेक करो कि क्या किया है। तुम्हारे बोलने से कोई झूठ सच नहीं हो जाएगा, दुनिया जानती है कि क्या हो रहा है। वेल, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई बिलोंग टू अ रूरल एरिया, अ स्मॉल विलेज, अ स्मॉल टाउन। आई हैव स्टडीड इन अ नॉर्मल स्कूल, आई स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, ऑल्सो आई एम सिटिंग इन अ सी क्लास मर्सिडीज विच आई बॉट व्हेन आई वॉज 23, नाउ आई एम 26 एंड यू आर डबल माई एज। व्हाट हैव यू डन? आस्क योरसेल्फ। तो ये सब कहने का मेरा एक ही मैसेज है कि आप गलत शिक्षा जो दे रहे हैं हमारी यूथ को, वो देना बंद कीजिए। क्योंकि हमारे पास भी कोई कॉन्वेंट स्कूल नहीं था, अगर आप मदरसे में पढ़े हैं तो आपकी अपनी मेहनत हो सकती थी। इतने पैसे कमा लिए हैं, क्या एक इंग्लिश ट्यूटर नहीं रख सकते? या सीखने की क्षमता ही नहीं है? भाई आप बराबरी करना चाहते हैं मेरी, लेकिन आप बहुत पीछे हैं, बिकॉज टैलेंट में आप 0 हैं और ज्ञान में, बुद्धि में आप माइनस में हैं। जीवन को सुधारिए, ठीक है? इधर उधर धक्के मत खाओ भाई, शादी वादी करो, कोई अच्छी लड़की ढूंढो। जैसा आप बोल रहे थे कि किसी लड़की की लाइफ नहीं खराब करनी है, तो जितना आपने पैसा ये कमाया है फ्रॉड करके, स्कैम करके, भले में लगाओ। किसी गरीब लड़की के साथ अच्छी से शादी करो, उसको बढ़िया रखो, परिवार बनाओ, जीवन सुधारो, नहीं तो कान पे लफेड़े पड़ेंगे। एंड व्हाइल यू आर थिंकिंग दैट आई एम गोइंग जॉबलेस, लंका जलने का समय निकट है, सो इट्स अबाउट टाइम दैट आई कम इन बिजनेस। सो बात करेंगे अब एज बिजनेसमैन बहुत जल्द ही। जय श्री राम।